नमस्कार दोस्तों, ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। नेशनल और इंटरनेशनल बोथ हॉर्स रेसिंग टिप्स। उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले सभी भाइयों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना अच्छा रहा ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस के ऊपर, इसीलिए आज इंडिया का नंबर वन चैनल है और पेड टिप्स के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे मद्रास रेस टिप्स की। ऊटी और मद्रास कह लो, पर ट्रेसेस मद्रास में हो रही है, ठीक है। 15 तारीख को दो सेंटर है, पुणे और मद्रास। पुणे का सेंटर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, आप वीडियो चेक कर सकते हैं मेरी पुणे की, और अच्छे से वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। मैं कुछ सच्चाई, कड़वी सच्चाई रेसिंग के बारे में भी और लाइफ के बारे में भी आपके साथ शेयर किए उस वीडियो में। आप ज़रूर जा करके चेक करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्योंकि आने वाले दिनों में हमने जो ग्रुप बना रखा है, हमने जो टीम बना रखी है, सब कुछ बना रखा है, अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जितने लोग हैं और जितने भी हमारे यूट्यूबर वायर्स हैं, अब हम फ्री में भी बहुत अच्छी टिप्स प्रोवाइड कराएंगे। और आज मद्रास का 8 रेस का गाड़ा है, और मद्रास मैं कहूँगा कि जब भी दो सेंटर रहे तो आप एक पे ही फोकस करें, दोनों पे फोकस ना करें। क्योंकि हर 10-15 मिनट बाद आदमी का ब्रेन ख़राब हो जाता है और ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो एक सेंटर को फोकस करें और सारी रेसेस ना खेलें, चुनिंदा रेसेस खेलें। तो टिप्स को बड़े ध्यान से देखिएगा मद्रास की टिप्स के बारे में, क्योंकि ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस आज से नहीं, कई वर्षों से पेड टिप्स प्रोवाइड करा रहा है। और आप सभी को मालूम है इंडिया का नंबर वन चैनल है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं हर बात सच बोलता हूँ और सत्य पे रहता हूँ। क्योंकि देखो यार, आदमी को लाइफ में ना हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, और सबके लिए अच्छा सोचोगे तो ही अच्छा होगा, और बढ़ता भी वही आदमी आगे है, ठीक है, जो कि निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल सच्चाई बोल के चलता है। हमने तो हमेशा सच कहा है, क्योंकि हम जब से चैनल शुरू किए हैं तब से हम पेड टिप्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री में भी करा रहे हैं, लेकिन एक दो टिप्स करा रहे हैं जब से हमने पेड टिप्स दिए। लेकिन वो जो एक दो करा रहे हैं वो भी बोर्ड पर रहती है, और वही हम पेड टिप्स में भी प्रोवाइड कराते हैं। कोई दुर्व्यवहार नहीं है, दो व्यवहार नहीं है, जो पेड टिप्स वही सेम, क्योंकि हमारे मन के अंदर खोट नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल आदमी और स्पष्ट कहते हैं भाई। और आते हैं मद्रास की पहली रेस पे। पहली रेस पे मैजेस्टिक मैजिशियन इज गुड हॉर्स है, इन्हें चला रहा है, बट ड्रॉ नंबर पिछली बार विन हो गया था, तो आई थिंक फिर से बोर्ड पे आ सकता है, ये घोड़ा डाउट नहीं है, लेकिन कोशिश करिए, हो सकता है आ जाए। क्योंकि जैसे लोग बताते हैं, क्योंकि ये फ्री टिप्स है, नॉट पे टिप्स। पे टिप्स में तो सभी का स्वागत है, हमारा मंथली और ये सिंगल डे पैकेज चल ही रहा है। सेकेंड आप सीक्रेट ऑफ लव भी बहुत अच्छा घोड़ा है यार, पी कृष्णा श्रीकांत कांबले मालूम है कि चेन्नई वगैरह में बहुत अच्छा काम करते हैं, पर टाइमिंग के वजह से घोड़ा शायद बोर्ड पे ना आए। और उसके बाद ग्रेट स्पिरिट इज गुड हॉर्स, और ये भी इतना खास नहीं है, बट सेकेंड थर्ड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक घोड़ा है कंसियस कीपर, ये थोड़ा सा क्या है, कंसियस कीपर का एक दिक्कत है, पिछली बार 6 हो रहा है, इसको छोड़ सकते हैं आप। तो आई थिंक फिर से आप नंबर वन को ही पकड़े वुड हॉर्स है, और शायद बोर्ड पे रहे मैजेस्टिक म्यूजिशियन। अब सेकंड रेस में आते हैं, सेकंड रेस बारीटिनी, ये तो सभी को मालूम है, मैं 3 बार जीत चुका हूँ, तीनों बार ही बोर्ड पे रहा है, एक बार सेकंड हुआ, एक बार फर्स्ट हुआ, एक बार थर्ड हुआ है, तो फिर बोर्ड पे ही रहेगा। पापा रिच हैनेरिटा है और वंडर ब्लेज है, उसके बाद मे फ्लावर भी बेस्ट, मे फ्लावर नहीं, फिर आमरोन है, और एक घोड़ा बहुत अच्छा है, उसका नाम है क्या, लिबुआ, क्या नाम है, लिबुआ, ठीक है। अब ये सेकंड रेस में आप बरेटिनी को ही पकड़िए, ये रहेगा, ठीक है। हाँ, और एक बात नोट कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको यूट्यूब में। अभी एक्चुअल में क्या है, हम पे टिप्स के चैनल के नाम से जाने जाते हैं, सभी को मालूम, और बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस है, आज से नहीं, 2 साल से सेम चार्जेस है, सेम नंबर है, और हमारा यही पर्सनल नंबर है, सब कुछ सेम है। आज हम आपको एक सच्चाई बताते हैं, जो हम 2-3 दिन से आपको बता रहे हैं ना यूट्यूब पे, कि कुछ लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कुछ टिप्स्टर ने भी हमें मैसेज किया है, तो यार मेरी बातों का बुरा मत समझिए, अगर कोई टिप्स्टर भी सुन रहा है तो भी बुरा ना समझे, क्योंकि हम यार बिल्कुल सीधे सही, सीधे साधे और सच्चे आदमी है ना, इसलिए सही बात बोल देते हैं।
क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ रियल ट्रूथ। तो प्लीज़ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फ्रॉड से बचें, कॉपी पेस्ट का ज़माना है, क्योंकि हमारी टिप्स, हमारे पास प्रूफ है ऑलरेडी, हमें बहुत सारे टिप्सटर ने मैसेज किए हैं और उनका नंबर भी हमारे पास है और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, जो कि आज शायद पेड टिप्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो ज़रूर देखें वीडियो को, ठीक है। और सभी दर्शकों से भी मेरी उम्मीद है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते हैं बिकॉज ये सोशल मीडिया है, कि हमारे टिप्स का पैटर्न बिल्कुल अलग है पेड टिप्स का। और हमें इस बात की बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया कि सर आपकी जैसी टिप्स हमें प्रोवाइड हो रही है, तो हमारा पैटर्न आप समझ सकते हैं, ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस का पैटर्न बिल्कुल अलग है। वो एक साथ सारी रेस की टिप्स देता है और कमेंट्री भी प्रोवाइड कराता है, और सिंगल वालों को सिंगल देता है, गुड बैट देता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को चार्ट भी देता है। बट हमें नहीं मालूम, आज दो साल से हमारे से बहुत सारे लोग टिप्स ले रहे हैं, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे ले रहे हैं। पहले तो 1000 रुपये में मंथली थी, अभी 3000 हुई थी और 300 रुपये पर डे के थे। अब हमने थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहते, तो 500 रुपये पर डे के और 5000 रुपीज़ मंथली किया, तब भी ठीक है, लोग आए या नहीं आए हमें कोई मतलब नहीं। बट आप कॉफ़ी फ्रॉड से बचें, क्योंकि कई लोग क्या है, हमसे टिप्स लेते हैं और आगे टिप्स उसी टिप्स को प्रोवाइड कराते हैं और उनसे बड़ी रकम लेते हैं। तो प्लीज़ अच्छे टिप्सटर से टिप्स लीजिए, और जिससे भी आप टिप्स ले रहे हैं उनका खुद का पर्सनल नंबर नोट करिए, उनसे आप फ़ोन पे भी बात करिए, उनसे आप मैसेज भी करिए, उनसे आप स्वयं पूछिए कि, क्योंकि देखिए जो रियल टिप्सटर होगा वो सारी चीज़ें आपको खोल के बताएगा और बिल्कुल स्पष्ट और सच्चाई बताएगा। बाकी जो एक दो दिन का टिप्सटर होगा वो आएगा और चला जाएगा, और वो कभी कभी आएगा जब उसको पैसे की ज़रूरत होगी। और ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ है उसका। बट हम हमेशा ये चाहते रहे कि यार कभी भी क्यों किसी का, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बट क्या करें, जब सच्चाई लोगों को ना भी बताएं तो भी दिक्कत है ना। तो आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ, कॉपी पेस्ट से बच के रहें, ये कॉपी पेस्ट का ज़माना है भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चलता है और रेसिंग एक सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पर अच्छा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है यार, मैं खुद 20-20 साल से रेसिंग में, 25 साल हो गए मेरे को, और बात बात पे लड़ाई भी हो जाती थी, सब कुछ होता था। माना कि हम हनुमान के तो भक्त हैं, लेकिन आपको मालूम है ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस जब इंडिया का नंबर वन चैनल है, तो इन सारी बातों से छुपा तो नहीं रहेगा। हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम के लोग बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं रेसिंग में, और उनसे कोई बात छुपती नहीं है, वो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। बट मैं हमेशा सबसे अलग रहना चाहता हूँ, मैं यही चाहता कि यार, बिकॉज मैं कभी भी, बिकॉज देखो आपका काम अगर 100% अच्छा है, आप सच्चे हो, ईमानदार हो और अच्छाई से काम कर रहे हो, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। और हम सबको एक ही बात बोलते हैं यार, नो टेंशन यार, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है करने दो, बट कभी भी ना किसी का गलत मत करना है, और किसी के बारे में गलत सोचना भी मत। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि पता नहीं यार कोई बंदा बिल्कुल सीधा साधा है और है, लेकिन आपको ये अनुमान होना चाहिए जब इंडिया का नंबर वन चैनल है तो उसको भी तो मालूम होगा कि क्या चल रहा है। आप समझदार खुश है, फंटर वैसे बहुत समझदार है, उनको सब मालूम होता है हु इज़ द रियल टिप्सटर और कौन चूतिया बना रहा है और कौन खामोखा का खेल खेल रहा है। ठीक है, हम एक दो दिन के तो टिप्सटर हैं नहीं, और ना ही एक दो दिन की टिप्स देते हैं, ये तो हमारा पैशन है, प्रोफेशन है बोल के, नहीं तो टिप्स के चार्जेस तो आप दे नहीं सकते। बस एक बात फिर से नोट कर लो, कॉपी पेस्ट के ज़माने से बचिए, बहुत सारे फ्रॉड्स घूम रहे हैं लाइफ। और हमने वैसे 99% की दुकानें बंद करा दी है फ्रॉड वालों की, चिंता मत करें आप, क्योंकि हम डरने वाले नहीं है किसी से, बिकॉज यार जिसको ऊपर वाले का साथ हो। और सबसे बड़ी बात है यार सच्चाई, बोला ना सच्चा आदमी कभी किसी से, सच्चा आदमी को खाली एक ही चीज़ का डर होता है, क्या बोलूँ वो, क्या लगता है हमें खाली एक ही चीज़ से डर है, वो है ऊपर वाले से, बाकी तो हमें यार मौत का भी डर नहीं है, समझ गए। तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हम हनुमान के भक्त हैं, हाँ आए भी यहीं जाएंगे भी यहीं। थर्ड रेस में आते हैं, थर्ड रेस प्लाटिनी, बहुत अच्छा घोड़ा है यार, और ये बोर्ड पे रहना चाहिए। 9th हुआ कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले 2nd हो रहा है, और इतना है कि यार मार्च में पहले हो रहा था, बट लेकिन ये घोड़ा बोर्ड पे रहेगा, मैं बोल रहा हूँ,
बट इसके मुकाबले दो तीन घोड़े और अच्छे हैं, जैसे एक है लेडी ब्लेजर, अच्छा है लेडी ब्लेजर गुड हॉर्स। हाँ लेडी ब्लेजर इज गुड हॉर्स। और स्विस अगट्टा भी अच्छा है यार, ये बहुत बार ट्राई कर रहा है इस बार, शायद पिछली बार भी थर्ड हो गया, तो आई थिंक इस बार बोर्ड पे रहना चाहिए स्विस अगट्टा। बट हमारी तरफ से एक लेके जाइए वेलकम चक्रम, ये कोई शायद नहीं देगा, बट आई थिंक ही इज़ ऑन बोर्ड हॉर्स। और कैपिटलिस्ट तो है बट तो वेलकम चक्रम इज गुड, बोल वाला दिया है फोर्थ ट्रैक के हिसाब से। फोर्थ रेस छोड़ दो यार, बड़ी टिपिकल रेस है। फिफ्थ रेस भी छोड़ दो, फिफ्थ रेस भी आई थिंक छोड़ दो, ये भी बड़ी टिपिकल रेस है। फिफ्थ रेस भी बड़ी टिपिकल रेस है। कॉटन हॉल इससे पहले मैंने दो बार दिया आपको, मतलब कि फील टिप्स में दिया, वो घोड़ा फिफ्थ हो गया था। और उसके बाद स्वीट फ्रेग्रेंस तो दिया था मैंने 24 तारीख को, ये थर्ड हुआ था, अच्छे भाव से हुआ था। बाकी अरेठा अच्छा है इसमें, 30 आई कुमार, बट ये रेस टिपिकल है, छोड़ दो। सिक्स रेस नॉट गुड हॉर्स, छोड़ दो, क्योंकि ये सब पेड टिप्स में ही हम प्रोवाइड कराएंगे, कोई रात भर मेहनत करनी पड़ेगी। सेवेंथ भी नॉट गुड, बट लास्ट रेस में बताता हूँ, सेवेंथ भी कुछ भी हो सकता है, एमएलडा बहुत सारे घोड़े। लास्ट रेस की बता देता हूँ आपको, एट रेस की बताता हूँ, ठीक है। एट रेस में देखो वेलस का हो सकता है ट्राई करे, उस लास्ट रेस में हॉर्स नंबर टू सक्सेशन ये विन होगा, यस नारायण होगा, ठीक है। बाकी टिप्स आप पूरे दिन लोगों की खेल लो, बट लास्ट रेस में सक्सेशन को खेलो। बट इसके मुकाबले गोल्डन स्ट्राइक भी अच्छा है यार, बट सक्सेशन इज गुड, गोल्डन स्ट्राइक भी अच्छा गुड है, ये पिछली बार जीत गया है, तो आई थिंक सक्सेशन इज गुड, यस नारायण ऑन बोर्ड हॉर्स है। लेकिन फिर भी वो कहता हूँ, नो श्योर शॉट, नो गन शॉट, नो कन्फर्म शॉट। मेरी बातें अगर आपको कड़वी लगे ना, तो यार प्लीज़ डोंट माइंड मत करना, क्योंकि जो मेरे पास आता है ना सच बोलता हूँ मैं। यार एक बात बताओ, सच्चाई छुप नहीं सकती यार, कभी भी बाहर आ जाती है। और अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, अच्छे हो, तो मुझे क्या ज़रूरत है आपको मैसेज करने की। मतलब बहुत सारे लोग मुझे, मतलब टिस्टरों को क्या आवश्यकता है मेरे से या मेरे को मैसेज करने की। बिकॉज मैं अपनी जगह पे मेरा काम कर रहा हूँ, लोग अपनी जगह पे लोगों का काम कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी किसी के बारे में कोई चीज़ नहीं बोली। आई फोकस्ड ओनली ऑन माई ओन वर्क, नॉट फॉर एनीबॉडी वर्क। फिर लोगों को हमारे से क्यों परेशानी से इसीलिए है क्योंकि हम सच बोलते हैं और इंडिया के नंबर वन चैनल है, और जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, कड़वा सच बोलते हैं, और हमारी टिप्स पास भी होती है ना 100%, और बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है, तो इसीलिए लोगों को कष्ट होता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, अब हम फ्री में भी कर देंगे ये सब, बट आप हमारे चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें आवश्यकता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम 8 की 8 रेस की टिप्स आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, लोगों में खुशियाँ बांटते चाहिए। आपका दिन शुभ हो, बड़े बुजुर्गों को याद करिए, छोटों का मतलब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रखिए, छोटों से प्यार करिए, और भगवान को तो हमेशा याद रखना ही है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।